नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित शर्मा आपके साथ। आज का जो विषय है वह है सूर्य खंड नंबर 7 अकॉर्डिंग टू लाल किताब 1941। तो मित्रों, आप यहां पर देख रहे हैं कि एक कुंडली है जो जिसमें खान नंबर बताए हैं, खान नंबर 1, 2, 3, और इसमें खान नंबर 7 जो है उसमें सूर्य विराजमान है, सूर्य महाराज जी। और आज की जो वीडियो की विवेचना है वो लाल किताब 1941 से ली गई है, उनकी पंक्ति से शुरू होगी। तो दोस्तों, ये जो है आशिया है, हेडिंग्स हैं, टाइटल्स हैं जो पंडित जी ने हमेशा ही लिखे हैं, कहीं पर कम लिखे हैं, कहीं पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इनको, पर हर ग्रह के बारे में ये बताया है और इनको कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज कर सकते हैं और कैसे इनसे फायदा उठा सकते हैं, ये हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो देखना ना भूलिएगा हमारा दूसरा वीडियो। तो आगे चलते हैं विवेचना सूर्य खंड नंबर 7 पे। पंडित जी लिखते हैं लाल किताब में, कब तक सूरज सातवें आया, सोने से घर मिट्टी पाया, जन्म वक्त थे लाख हजारी, बोलते बोलते हूंज बुहारी। तो दोस्तों, यहां पर पंडित जी ने कहा है कि जो कत्तक महीने का सूर्य है वो सातवें घर में काल पुरुष की सातवीं राशि में पाया जाता है। और यहां पर जो सूर्य का प्रभाव है, पंडित जी ने इस प्रकार से बताया है कि सोने से घर मिट्टी पाया, क्योंकि ये बुध शुक्र का घर है, शुक्र का बेसिकली घर है, क्योंकि निचला इसको पंडित जी ने कहा है कि जो एक चक्की के समान कहा है कि जिसके दो पुड़ हैं और नीचे वाला जो है वो बेसिकली शुक्र का है, और वैसे भी ये शुक्र की राशि है। तो शुक्र को पंडित जी ने काफी बार मिट्टी भी कहा है। तो यहाँ पर कहने का भावार्थ ये है कि जहाँ सूर्य एक राजा है तो राजा शान शौकत का मालिक होता है, और सोना जो है वो बृहस्पति की चीज है। जहाँ पर राजा के पास एक खजाना होता है, चाहे वो ज्ञान का हो, चाहे वो पैसों का हो, शान शौकत होती है, वहीं पर वही सूर्य क्योंकि सातवें घर में नीच माना जाता है, वैदिक के हिसाब से भी, लाल किताब के हिसाब से भी, पंडित जी ने कहा नीच राशि फल का, वही सूर्य अब मिट्टी घर मिट्टी पाया कि अब मिट्टी के घर आया है। अब वो सूर्य जो सोने दार, एक राजा जब सोने के मुकुट धारण करता था, सोने के हीरे जवाहरात धारण करता था, महलों में रहता था, आज वो एक मिट्टी के घर में बैठा हुआ है। तो मीन्स कि यहाँ पर ये सूर्य सात का नीच होने का फल है। जन्म वक्त थे लाख हजारी, बोलते बोलते हूंज बुहारी। तो ऐसा जातक जन्म वक्त थे लाख हजार, मीन्स कि जब इसका जन्म होता है तो मोस्टली इसके पिता के पास बहुत पैसा होता है, और अगर सूर्य खराब होते इसके पिता को डाउनफॉल देखना पड़ता है, क्योंकि सूर्य जहां पर सोने के साथ था अब वो मिट्टी के घर में आ गया है। तो कहीं ना कहीं या तो इसको इसके पिता को ये इफेक्ट होता है। पंडित जी कहते हैं बोलते बोलते हूंज बुहारी, बोलते बोलते मीन्स कि जिस तरह वो लाइफ में आगे चलता है, या अगर इंसान का ऐसे इंसान का बुध भी खराब हो, कि कम्युनिकेशन जो है बुध की भी है, अगर ऐसे जातक का बुध भी खराब हो तो हूंज बुहारी होता है कि जैसे झाड़ू लगा देना, पोछा फेर देना। तो जो भी बची खुची भी धन दौलत होती है या धीरे धीरे करके वो खत्म होने लग पड़ती है। तो यहाँ पर पंडित जी क्या हिंट ये है कि बुध शुक्र का घर है तो सूर्य यहाँ पर बैठा है, तो बुध भी अगर कुंडली में खराब हो जाएगा तो, और सूर्य यहाँ पर सेवंथ हाउस में बैठा खराब होगा, तो ऐसे जातक के पास पैसे का जो है कमी आएगी, पैसा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और उसका कारण होगा उसका बिहेवियर, उसका खुद का कम्युनिकेशन और उसकी खुद की ईगो। आगे पंडित जी कहते हैं, गुरु मंगल उस घर से भागे, शुक्र रहे ना चंद्र जाके। मीन्स कि सूर्य के साथ यहाँ पर अगर गुरु भी आ जाए तो भी सूर्य जो है इतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा, या गुरु निष्फल हो जाएगा, कुछ मदद नहीं कर पाएगा। मंगल आ जाए तब भी कुछ खास इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो सूर्य मंगल अगर साथ में हो तब भी जो है वो अच्छा इफेक्ट नहीं मिलेगा। उस घर से भागे मीन्स कि वहां पर बैठकर भी
वो अच्छा फील नहीं करेंगे। तो शुक्र रहे ना चंद्र जागे, तो अगर सूर्य के साथ शुक्र यहां पर आ जाए तो शुक्र बिल्कुल ही डैमेज हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की हीट शुक्र को जला देगी। तो ऐसे जातक की जो पत्नी सुख है, जो ग्रस्त सुख है, वो किसी ना किसी तरह से खराब हो जाएगा ना चंद्र जागे। मीन्स कि अगर चंद्र आ जाए यहाँ पर सूर्य के साथ तो चंद्र का फल भी खराब हो जाएगा। यानी कि ऐसे जातक को चंद्र धन भी है, माता भी है, ऐसे जातक को धन की प्रॉब्लम आएगी। या ऐसे जातक की माता और बहू का, मीन्स कि इसकी पत्नी का और इसकी माता का झगड़ा चलता ही रहेगा। आगे पंडित जी कहते हैं पापी ग्रह भी गिने अभागे। तो मीन्स की पापी ग्रह शनि राहु केतु अगर आ जाए सूर्य के साथ इस टाइम पे, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। मिली मदद बुद्ध सब है जागे। तो एट द एंड जो चीज मैंने पहले पंक्तियों में डिफाइन की थी कि बोलते बोलते, तो एट द एंड जो ग्रह हेल्प करने वाला है सूर्य साथ के समय में, वो वन एंड द ओनली प्लेनेट जो है वो बुद्ध है। बुद्ध क्या है? बुद्ध बिजनेस है, कम्युनिकेशन है, बुद्धि है। तो यहाँ पर ऐसे जातक को अपना बोलचाल ठीक रखना बहुत जरूरी होता है। बुद्ध का मीन्स की बुद्धि से काम करने, सूझबूझ के साथ काम करने। सूर्य सेवंथ में होते ये भी देखा गया है, ऐसा जातक कई बार जल्दबाजी में भी फैसले लेने वाला होता है, या वो थोड़ा सा इस तरह का होगा कि उसमें ईगो होगी कि यार मेरे पास तो ये, मेरे पिता के पास ये था, मैं ये हूं, मैं बड़ी होती है उसमें, प्राउडी होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, क्योंकि अब जो राजा है वो मिट्टी में आया है, मिट्टी के घर में आया है। अगर वो अपना स्वभाव चेंज नहीं करेगा, अगर वो अब भी अपने आप को राजा समझेगा कि मेरे पास खजाने बहुत पड़े, लुटाएगा, तो हूं जो बुहारी वाला हाल हो जाएगा, मीन्स कि पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो उसको सेंसिबल बनना है, उसको अपनी अब देखना है कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, और उसको बुद्ध से मदद लेनी है, बुद्ध बुद्धि और वाणी। तो ऐसे जातक को अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, सोच समझ कर बोलना है, और अपनी बुद्धि के साथ अच्छे काम करने हैं, अच्छे फैसले लेने हैं। क्योंकि सेवंथ हाउस जो है वो जो लीगल बाइंडिंग्स हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं, इन सब का भी कारक है। आगे दोस्तों पंडित जी लिखते हैं, ना धन रहे ना धनाढ्य हो, न कुल रहे ना गुलजार हो, संभालो जा बर्बाद हो, गर्भुद का नावा साथ हो। तो पंडित जी के हमेशा ही जोर डाला है कि सूर्य जब सेवंथ में होगा तो किसी ग्रह की भी नहीं चलेगी वहां पे, उसको हेल्प नहीं दे पाएगा। सिर्फ एक बुद्ध ही है जो सूर्य को वहां पर मदद करेगा। बुद्ध अगर वहां पर है, या बुद्ध की एनर्जी को वहां पर स्थापित किया जाता है, या बुद्ध की अच्छी चीजों को लाइफ में अपनाया जाता है, तो ऐसे जातक का सूर्य सेवंथ हाउस में बुरा फल नहीं देगा। आगे पंडित जी कहते हैं, घर पहले के खाली होते, सूरज साथ में सोया, दिन उसी ही सूर्य निकले, आठ जब दूजे होया। तो जो सोया हुआ ग्रह है वो कभी भी अच्छा फल नहीं देता, बुरा दे चाहे ना दे, पर अच्छा फल कभी नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी पावर ही जीरो है। जैसे कि किसी भी सपोज गाड़ी में हम बैठे हैं और गाड़ी बंद है, उसका इंजन सोया हुआ है, बंद है, तो हमें डेस्टिनेशन पर वो पहुंचा नहीं सकती, हमारे लिए वो कोई अच्छी साबित नहीं हो सकती, या इंजन खराब है या बंद है, बेसिकली खराब की बात ना करें। तो उसका नेगेटिव असर हो चाहे पॉजिटिव, नेगेटिव हो चाहे ना हो, पर पॉजिटिव असर उसका कोई भी देखने को हमें मिलेगा नहीं। पर आगे पंडित जी कहते हैं, दिन उसी ही सूर्य निकले, आठ जब दूजे होया। तो आठवें घर का जो ग्रह है, जब भी सेकंड हाउस में आएगा वर्षफल के अनुसार, तो उस दिन से सूरज जाग जाएगा या निकल जाएगा। तो अगर हम वर्षफल चार्ट देखें तो आठवें घर में कोई भी प्लेनेट दूसरे घर में पांचवें साल में आ जाता है। तो पांच साल से, इसलिए पंडित जी ने लिखा है बोलते बोलते, मोस्टली जो अच्छी तरह बोलता है बच्चा वो 3 to 5 years, बेसिकली 5 years मोस्ट बच्चे जो है 5 साल तक बोलने लग पड़ते हैं। तो शायद पंडित जी ने इसी वजह से, क्योंकि पंडित जो भी लिखते हैं उसका कुछ ना कुछ गहरा मीनिंग होता है, या ये कहे कि एक गैपी किताब है, कोई किसी तरह समझता है, कोई किसी तरह समझता है अपनी बुद्धि के अनुसार।
दोस्तों आगे पंडित जी ने लिखा है कि जमीन में तांबे के चकोर टुकड़े दबाना मददगार होगा। ये तभी दबाने चाहिए जब पहला घर खाली हो, पराई ममता जरूर साथ रहे। तो दोस्तों पराई ममता जरूर साथ रहे इसका मतलब ये है कि ममता क्या होता है कि किसी को पालना पालन पोषण करना। तो हो सकता है कि ऐसा जातक के बाहर इसके गले कोई ऐसी लड़की पड़ जाए, कोई औरत पड़ जाए जिसको ये कुछ ना कुछ देता रहे। कोई बच्चा हो सकता है, कोई संतान हो सकती है, या किसी को मीन्स की कोई कोई भी तरह का ऐसा इस पे बर्डन कि जिसको ये दिल से उसे कबूल करता है, उसे और उसे अपने साथ रखता है, उसका पालन पोषण करता है। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो पंडित जी ने तो ऊपर ये भी लिखा है कि इसके पास तो खुद के लिए धन नहीं होगा तो दूसरे का पालन पोषण कैसे कर सकता है ये बंदा। तो धन तभी नहीं होगा जब ये बुध खराब कर लेगा। अदरवाइज बंदे जो होगा वो बहुत ही पैसे वाला होगा। और मैंने देखा सूर्य सेवंथ वाले मोस्टली बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पिता के पास भी बहुत पैसा होता है। और दूसरी बात जो है, मैंने कुछ कुंडलियों में देखा है अगर सूर्य सेवंथ में हो और मंगल सिक्स्थ में आ रहा है, क्योंकि जहां पर भी मंगल अगर सिक्स्थ में आ जाएगा तो सूर्य उच्च का फल देगा, उस स्थिति में भी ऐसे जातक के पास काफी पैसा होता है कि वो लोगों को पाल सकता है। तो पराई ममता का साथ, यहां से एक हिंट हमें ये मिला है कि ऐसे जातक के पास पैसा होगा ताकि वो दूसरों को पाल सके। और हो सकता है कि उसके इलीगल रिलेशन हो, या हो सकता है कि आज के मॉडर्न टाइम में देखें जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में स्टेप फादर स्टेप मदर तो पैसे अपने बच्चों को देते रहते हैं, क्योंकि सूर्य सेवंथ में हो तो हो सकता है कि इसके पत्नी के बच्चा हो जाए और पत्नी इसको छोड़ दे तो इसको उसके लिए कुछ पैसे देने पड़े और दूसरी पत्नी के साथ इसकी शादी हो जाए, तो जो पहली पत्नी से बच्चा है उसके लिए ये पालन पोषण करता रहे। काफ़ी चांसेस हो सकते हैं अलग अलग कुंडली में अलग अलग तरीके से, क्योंकि ये लाल किताब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझना आसान बिल्कुल नहीं है। आगे चलते, आगे पंडित जी ने लिखा अगर औरत भी है तो लाजवंती ही रहे। माय गॉड, अगर औरत भी है तो लाजवंती ही रहे, मींस की कहने का भाव कि सूर्य सेवंथ में पंडित जी ये हिंट देना चाहते हैं कि मोस्टली ऐसे बंदे की शादी नहीं होती या शादी सक्सेसफुल नहीं होती या शादी लेट होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, अगर सूर्य सेवंथ में खराब हो, कंडीशन क्या है खराब हो, तो मैंने खुद देखा है कि शादी लेट होती है, शादी यहाँ बिल्कुल ही होती ही नहीं है। तो अगर हो तो पंडित जी ने कहा लाजवंती रहे। लाजवंती एक प्लांट होता है, एक पौधा है जिसे मेरे ख्याल से छुई मुई बोलते हैं पंजाबी में। तो मीन्स की ऐसी पत्नी जो होगी वो बहुत ही शाई नेचर की होगी, बहुत ही मीन्स की रिजर्व नेचर की होगी, वरना वो ना रहे। अगर औरत हो और फिर भी रहे तो शुक्र का घर ससुराल तरफ ही ना रहे। तो पंडित जी ने यहाँ पे तो सारा शुक्र खराब ही कर दिया है। शुक्र अगर हो मीन्स की अगर पत्नी हो तो ससुराल अच्छा नहीं होगा, फिर भी रहे तो धन की जगह मिट्टी रहे या बद लक्ष्मी रहे। तो मतलब कि अगर ससुराल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कहने का भाव कि इसकी जो पत्नी होगी वो किसी ना किसी तरह से करेक्टरलेस होगी, बद लक्ष्मी मीन्स की लक्ष्मी औरत को बोला गया है। तो इसकी जो बीवी होगी वो हो सकता है कि वो मोर करेक्टरलेस नहीं, हम कह सकते किसी को भी करेक्टरलेस कहना अच्छी बात नहीं है, कि उसमें मॉरल वैल्यूज नहीं होगी। मैंने ये चीज देखी है कि शुक्र साथ की नहीं, सूर्य साथ में ऐसे जातक की पत्नी जो होती है वो मेहमानों का या घर में कोई आ जाए तो वो मुंह फुला लेती है, उनकी आव भगत नहीं करती, उनका आदर सम्मान दिल से नहीं करती। तो एक तरह से ये बदलक्ष्मी है। करेक्टरलेस होना बात अलग है, वो क्योंकि हम किसी को आजकल के मॉडर्न युग में हम किसी को नहीं बोल सकते कि तू करेक्टरलेस है, क्योंकि जो समय बहुत बदल गया है और बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है, और वैसे भी किसी के करेक्टर पे कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये हम रामायण से
रामायण के काल से हम समझ सके हैं कि क्या हाल होता है जो सीता माता का हुआ था। तो हमें कुछ नहीं पता कि क्या कहानियां हैं। आगे चलते हैं। आगे पंडित जी कह रहे हैं कि अगर फिर भी रहे तो कोई ना रहे, अगर बुध खंड नंबर सात में ना हो तो बुध निकम्मा ही होगा। यानी कि अगर सूर्य सात में है तो बुध सेवंथ में होगा तो ही सूर्य का फल मंदा नहीं होगा, मीन्स कि फिर सूर्य मंदा फल नहीं देगा। पर अगर बुध खाना नंबर सात में नहीं है तो मोस्टली बुध खाना नंबर छह में होगा या आठ में होगा। कागज तो गो कागज पर फैलाने वाली सिहाई की तरह किस्मत का हाल होगा, मीन्स कि अगर हम कागज पे कुछ लिखें और सिहाई फैल जाए तो मीन्स कि जो किस्मत है वो अच्छी नहीं होगी, शार्प नहीं होगी। ऐसे जातक की जो किस्मत है वो शार्प नहीं होगी, खासकर किस मैटर में, सेवंथ हाउस के मैटर में लकी नहीं होगा। मीन्स कि गृहस्थ के सुख में, पार्टनरशिप में, डेली इनकम का जो सोर्स है उसमें। आगे पंडित जी कहते हैं यहाँ वो सिर्फ बुद्ध की मदद से ही खुशहाल व फारिक उल बाल होगा। क्या बात है। आगे पंडित जी ने वही बात कर दी कि ऐसा जैसा मैंने बोला कि इस बंदे के पास धन बहुत है। उल बाल मीन्स कि राजा, एक काबिल इंसान, एक जो जिसने किसी गोल को अचीव कर लिया होता है। तो खुशहाल व फारिग मीन्स कि इस गोल को अचीव करके वो आराम से बैठा है कि एक एक चीज की अचीव करके जब वो एक सेटिस्फेक्शन के पास साथ बंदा बैठता है कि यार आई हैव अचीव्ड दिस थिंग, मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो बुद्ध की मदद से, बुद्ध की मदद कैसे ली जाए। बुद्ध देखे माँ दुर्गा है, दुर्गा की पूजा, बुद्ध कंजके हैं, कंजकों की सेवा, बुद्ध बेटी है, बुद्ध बहन है, बहन की सेवा बेटी है तो बेटी की सेवा, बुद्ध कम्युनिकेशन है, मैंने कितनी बार बोला है, बुद्ध बिजनेस है। लाल किताब में यहाँ तक भी कहा गया है, जब आगे पढ़ेंगे तो ऐसे जातक को अगर बिजनेस करता हो तो कस्टमर के साथ गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। मोस्टली देखा है सूर्य सेवंथ में होता है ऐसा जातक गुस्से के साथ, गुस्से में बात करेगा कस्टमर्स के साथ। और अगर वो कोई लीडरशिप जॉब्स में है, कोई ऐसी जॉब में जहाँ पर उसके नीचे बंदे काम करते हैं तो उसको थोड़ा गर्म रहना चाहिए। देखा अगर सूर्य सेवंथ में होगा तो ऐसा जातक जो अगर उसके पास नीचे बंदे काम करते हैं तो उनके साथ बड़ा पोलाइट होगा। तो ऐसे जातक को बड़े पैरा वर्ड यूज किया गया है। तो ऐसे जातक को वो लाइनेज है, वो आगे जब हम बात करेंगे तो उन लाइनों को बात करेंगे, 1952 में लाइनें दी गई हैं। तो ऐसे जातक को कस्टमर के साथ प्यार से बात करनी चाहिए और अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ थोड़ा गर्मी के साथ, कड़क ऑर्डर के साथ बात करनी चाहिए। तो बुद्ध की सेवा, बकरियों की सेवा, बकरियों को जैसे कुछ पालक खिला सकते हैं, बुद्ध की सेवा, कंजकों की सेवा, बेटी की सेवा, बहन की सेवा, माँ दुर्गा की उपासना, माँ दुर्गा की पूजा। तो ऐसा करने से ही सूर्य सात जो है उसका मंदा फल कम होगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसे लगी हमारी विवेचना सूर्य खंड नंबर सात की, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।